subscribe now and press the bell icon. Never miss. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Raftar Study. So let's we discuss about the types of account. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं. तो हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, क्योंकि बेसिक है हमारा जो अकाउंट का वो क्या होता है कि जैसे हम अकाउंट तो पढ़ते हैं, बट जो हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और अकाउंट्स का मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे. तो देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं. तो पहला आता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और सेकंड आता है हमारा रियल अकाउंट, थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट. तो मोस्टली हम लोग थ्री टाइप्स के अकाउंट को हम पढ़ते हैं. पहला हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट. तो आइए इनको फुली डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं. देखिए पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब होता है, अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन, ऐसा अकाउंट जो रिलेट करता है पर्सन से. इंडिविजुअल हो सकता है, पर्सन कि जो डिफाइन है वो यही कहता है कि पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, फर्म आता है, कंपनी आता है, डेप्टर और क्रेडिटर. तो ये सब क्या है हमारे, ये इंडिविजुअल है, ठीक है. तो ये सब क्या है हमारे, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इनको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना. यदि हम इनका इनकम टैक्स लॉ की यदि डेफिनेशन देखें पर्सन की, तो पर्सन में आता है, तो पर्सन में इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी, डेप्टर, क्रेडिटर, ये सब हमारे रिलेट करते हैं पर्सन से, ठीक है. एग्जाम्पल जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या कहेंगे हम, राम्स कंपनी, राम्स एंड कंपनी एंड है, तो राम्स एंड कंपनी, ठीक है ना. और जौहरी कंपनी, तो ये जो स्पेसिफिक नाम दे रखा है हमारा वो ये क्या है हमारा, ये पर्सनल अकाउंट को शो कर रहा है, क्योंकि पर्सनली इंडिविजुअल के किसी नाम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इंडिविजुअल है, ठीक है ना. अब पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाइड किया गया है थ्री कैटेगरीज में. पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी है वो तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से. पहला हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल मतलब समझते हैं प्राकृतिक है. तो देखिए समझते हैं, द टर्म्स नेचुरल पर्सन, जो टर्म्स है नेचुरल पर्सन मींस पर्सन हुज क्रिएशन ऑफ गॉड. इसका मतलब क्या है कि नेचुरल पर्सन का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो क्रिएशन ऑफ गॉड हो, जो कि गॉड के द्वारा बनाया गया हो, भगवान के द्वारा बनाया गया हो, ना कि आर्टिफिशियल. विच इंक्लूड अकाउंट इन इंडिविजुअल नेम, जैसे उसका अकाउंट में इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड होता है इंडिविजुअल नेम, उसका कोई एक नाम, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, आशा अकाउंट, एक इंडिविजुअल को शो कर रहे हैं. और राम और आशा कैसी है, एक नेचुरल पर्सन है, क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ गॉड है, ठीक है ना. आगे सेकंड आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अब आर्टिफिशियल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैन मेड है. द टर्म्स आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स विच इज क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट बॉडीज. आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो कि कॉर्पोरेट बॉडीज के द्वारा बनाया जाता है. कॉर्पोरेट मतलब कि हमारी कंपनी के द्वारा, कंपनी लॉ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है. कंपनी की डेफिनेशन भी यही कहती है कि अ कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, ठीक है ना. कॉर्पोरेट बॉडीज के द्वारा जो बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल कहलाता है, ठीक है. तो उसके द्वारा जो सेटअप किया जाता है, विच आर रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन इन बिजनेस डील, ठीक है, जिसको हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, पर्सन इन बिजनेस डील, जो कि बिजनेस डील में बिजनेस डील करता है, ठीक है. तो जो बिजनेस है वो क्या है हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन को शो करता है. थर्ड आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, दीज आर द अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है. रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट करने वाला. दीज आर द अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन. ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक सर्टेन पर्सन को, ग्रुप को ये शो करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है. सर्टेन पर्सन हो सकता है और ग्रुप हो सकता है, किस ग्रुप से रिलेट कर रहा है वो पर्सन. एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से. इफ रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड है उस पर रेंट है वो ड्यू है, लैंडलॉर्ड को देना है, ड्यू है. एन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन. तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट जो अकाउंट होता है उसको ओपन किया जाएगा, क्योंकि रेंट है वो ड्यू है, अभी बकाया है. द अकाउंट रेंट अकाउंट सॉरी द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड. तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शो कर रहा है कि लैंडलॉर्ड को जो पैसा है वो देना अभी बाकी है. तो वो क्या कहलाता है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है. इंडिविजुअली का है बट वो रिप्रेजेंट ही तो कर रहा है, एक अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे को. तो आउटस्टैंडिंग जो रेंट अकाउंट है वो क्या शो कर रहा है कि लैंडलॉर्ड को पैसा देना अभी बाकी है.
अभी जो सेकंड अकाउंट आता है हमारा वो है रियल अकाउंट। अभी अभी हमने पढ़ा कौन सा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कुछ कैटेगरीज पढ़ी हमने, अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेब्टर। देखिए क्या है, रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को क्या करता है, रिलेट करता है। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच फिजिकली। ठीक है, टेंजिबल असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टेंजिबल, जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो टेंजिबल। इनटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच फिजिकली। ठीक है ना, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इनटेंजिबल असेट्स है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं टेंजिबल असेट्स की, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है, इसको हम देखते हैं, छू भी सकते हैं, मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, तो ये सब क्या है हमारी, ये हमारे टेंजिबल असेट्स को। इनटेंजिबल असेट्स गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, तो ये ऐसे हैं जिनको हम छू नहीं सकते। गुडविल, गुडविल हमारी ख्याति, हमारी कह सकते हैं अपनी इज्जत, रेपुटेशन, और पेटेंट्स हमारा एक लोगो होता है, ट्रेडमार्क भी अपना एक चिन्ह होता है, तो इन चीजों को हम देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, ठीक है, बट ये होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इनटेंजिबल असेट्स और टेंजिबल असेट्स में ये टेंजिबल असेट एग्जिस्ट करता है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल असेट्स क्योंकि एग्जिस्ट तो करता है बट उसको सीन नहीं कर सकते और ना ही टच कर सकते हैं, तो ये आता है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रिवेन्यू, ईटीसी। नॉमिनल अकाउंट है जो कि किससे रिलेट करता है, एक्सपेंसेस से, खर्चे से, घाटे से, गेन, रिवेन्यू, ठीक है। तो जहां पर घाटा और फायदा, लॉस और एक्सपेंस, लॉस कह सकते हैं और गेन कह सकते हैं, जहां पर लॉस और गेन की बात होती है वो नॉमिनल अकाउंट में शो होता है। दीज आर द सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इसमें कैसे अकाउंट आती है, सैलरी अकाउंट खर्चा है, परचेज अकाउंट खर्चा है, सेल्स अकाउंट फायदा है, तो फायदा और घाटा यहां पर देखा जाता है किसमें, नॉमिनल अकाउंट में। और वहीं हम बात करें रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में क्या है हमारा, रियल अकाउंट में हमारे शो करता है वो असेट्स को और लायबिलिटीज को, जो कि आता है हमारे रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट सभी प्रकार के खर्चे और आय दोनों को ही शो करता है। तो ये थे हमारे थ्री टाइप्स के अकाउंट, कौन कौन से, पहला पढ़ा हमने पर्सनल जो कि पर्सन से रिलेटेड होता है इंडिविजुअली, रियल अकाउंट जो कि असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रीट करता है, और हमने पढ़ा नॉमिनल जो कि एक्सपेंसेस, गेन, लॉस, रेवेन्यू, इसको शो करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।